रूहानियत में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, इनकबास। इसी तरह बाज़ुकात इंसान ज़हनी इनकबास में भी मुब्तला हो जाता है, और ये कैफियत ऐसी होती है कि इंसान सोच कर बोलने से बड़ी दूर भागता है। लगता यूं है कि शायद आज कुछ ऐसी ही ज़हनी कैफियत में मैं मुब्तला हो गया। क्या ये रहा हूं कि बजाय इसके कि आज मैं बोलूं, आप हजरात अगर बोलें और मैं आपकी गुफ्तगू को सीखूं भी और उसके जवाब में कुछ अर्ज करना चाहूं तो करूं। तो आज आप हजरात सवाल कीजिए, जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा जहां तक हो सके। लेकिन उससे पहले ये किसी साहब ने एक सवाल लिखा है और ये बात क्लियर करना मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी है कि इन्होंने सवाल ये लिखा है कि एक मुसलमान औरत के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, खावंद की खुशनूदी या मुर्शिद की। एक बुनियादी असूल अगर हम याद रख लें तो फिर ऐसे सवालात का जवाब हमें खुद ही मिल जाएगा। वो चीजें जो रब ताला ने फर्ज कर दी हैं हम पर, उसको अगर हम न करें तो हम अल्लाह के हजूर जवाब दें, नफली इबादत के लिए जवाब दे नहीं होते हम। फर्ज इबादत न करेंगे तो हम आंसरेबल हो जाएंगे। इसी तरह जो हकूक रब ताला ने हम पर फर्ज किए हैं, अगर हम उन ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज नहीं करते हैं तो हम अल्लाह के हजूर आंसरेबल हैं। कोई भी ऐसा जो सवाल हमारे जहन में आता है उसका जवाब हमें आसानी से मिल जाएगा अगर हम ये देख लें कि इस ज़िम्न में रब ताला ने क्या चीज हम पे फर्ज की हुई है, तो उसको हम सबसे पहले अदा कर लें। फिर वो जो चीजें वाजिब हैं हम पर उनकी अदायगी कर लें, और नफली इबादात की आखिर में। तो खावंद के हकूक वाइफ पर और वाइफ के हकूक खावंद पर हैं, वो हमें अदा करने हैं, उसके लिए हम अल्लाह को जवाब दे जाएंगे। तो खामिद की खुशनूदी पहले है, इसलिए कि रब ताला ने बड़ा क्लियरली बता दिया कि बीवी पर फर्ज क्या क्या है, इसी तरह खामिद पर क्या क्या फर्ज है। एक तरफा बात नहीं है कि सिर्फ खावंद के ही हकूक हैं, बीवी के भी हकूक हैं खावंद पर। तो खावंद की खुशनूदी
ज्यादा जरूरी है बनिस्बत मुर्शिद के। इसमें कोई दूसरा ख्याल हो नहीं सकता। इन्हीं का दूसरा सवाल इसी से मुतालिक है कि एक मुसलमान औरत के लिए खावंद की इजाजत के बगैर घर से बाहर जाना या दूसरे शहर जाना बगैर बताए और किसी और के घर जो मुजरिम जो महरम ना हो रहना कैसा है, जबकि वो राह सलूक पर चलने की दावेदार भी हो। एक बड़ी सिंपल बात है कि हम जो हकूक की बात कर रहे हैं तो एक बीवी पर फर्ज है कि वो अगर घर से बाहर जाना चाहे तो खावंद की इजाजत से जाए, अगर खावंद मना कर दे तो उसे नहीं जाना चाहिए, गुनाहगार होगी वो। इसी तरह दूसरे शहर में जाने का या किसी और के घर में जाके रहने का, और ये जो लिखा के जबकि वो राह सलूक पर चलने की दावेदार भी हो, इस सिलसिले में मैं एक अर्ज कर दूं कि दावेदार होना एक चीज है और चलना एक और चीज है। जो आदमी राह सलूक पर चल रहा है वो दावेदार तो हो ही नहीं सकता कभी। पहली बात तो ये है, जो दावेदार है वो नहीं चलता, सादा बात है। तो किसी के दावों पर बुनियाद करके हम उस राह को या उस इल्म को बुरा क्यों समझें? टेस्ट मौजूद है, मैं कहता हूं मैं दावेदार हूं कि मैं मुसलमान हूं, सीधी बात है कि मैं तौहीद को मानता हूं या नहीं मानता, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर जमा मानता हूं या नहीं मानता, कुरान को मानता हूं या नहीं मानता, एक सेकंड में फैसला हो जाएगा कि यह सिर्फ दावा है मेरा या मैं वाकई मुसलमान हूं। तो इसी तरह राह सलूक पे चलने वाला, याद रखिए कि सलूक की राह में दावे नहीं होते, जो दावे करता है वो सलूक के राह का राहरो नहीं है। तीसरा इनका एक सवाल यह है कि बगैर उज़्र शरई तलाक का मुतालबा या इलहदगी इख्तियार करना कैसा है, जबकि खामन बार बार बुलाता और मनाता भी हो, क्या उन खातून के लिए मुसीबत का बायस है और अल्लाह की नाराजगी का है या नहीं? तो मुझे नहीं मालूम कि ये उज़्र शरई से इनकी मुराद क्या है, और अगर मैं अपनी वाइफ से बगैर किसी वजह के नाराज होता हूं तो फिर दो ही सूरतें हैं, कि या मेरे दिमाग में कोई खलल है, ज़हनी तौर पे मैं सेहतमंद नहीं, या मैं बता नहीं रहा कि मुझे शिकायत क्या है बीवी से, क्योंकि अगर मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, वालदैन ने ढूंढा, मैंने खुशी से कह दिया कि कबूल है, तो फिर बगैर किसी वजह के अगर मैं वाइफ से नाराज रहूं तो फिर दो ही सूरतें होंगी, या मैं दिल की बात कह नहीं रहा या मेरे दिमाग में खलल है, दोनों चीजें हैं। तो मेरा मशवरा ये होगा कि अगर आपकी वाइफ का रवैया ये है
बेहतर है कि आप आमने सामने बैठ के एक दूसरे की शिकायत सुन लीजिए और कोशिश कीजिए कि वो दूर हो जाए। अगर वो बेगम साहबा आपको कोई रीजन बताने को तैयार नहीं है तो फिर अपने वालदैन या बहन भाइयों में से जो आपकी बेगम के ज्यादा करीब है उनसे कहिए कि वो पूछ ले ताकि वो वजह बता दें। तो अगर वो शिकायत जायज है तो आप उन्हें दूर कर दीजिए, अगर जायज नहीं है गलत फहमी तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, मसला हल हो जाएगा आपका। ये फॉरेन कंट्री से कुछ सवाल आए थे उनमें दो रह गए थे, इनका एक तीसरा सवाल ये था जिसका जवाब नहीं दे पाए हम। इन सूरह बकरा God, the verse 77 states, it's not righteousness that you turn your faces to the east and west, but righteous is he who believes in Allah, in the last day, in angels, and the scripture, and the prophets, and given his wealth for love of him, to kinsfolk, and to orphans, and the needy, in the wayfarer and to those who ask, and to set slaves free and observe proper worship and pay the poor due, and those who keep their treaty when they make one, and the patient in tribulation and adversity in the time of stress. Such are they who are sincere. Such are the God-fearing. Seems to me the summary of for Sufism, especially when love factor is added in all actions and thoughts. For Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, please explain what is the proper worship. Akama Salat mentioned in the holy verse. ये दिक्कत हमें सिर्फ एक वजह से आती है कि हम ये समझ रहे हैं कि सूफीज्म कोई एक अलहदा चीज है। ये अलहदा नहीं है, हमारे यहां जैसे अंग्रेजी में एक लफ्ज है गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीन डिग्रीज हैं उसमें। सुपरलेटिव डिग्रीज डिग्री जो है वो है बेस्ट। बात ये है कि अल्लाह ने इबादत हम पे फर्ज की हैं, हम उन इबादत की अदायगी करते हैं, फराइज की अदायगी करते हैं। अल्लाह ने कुछ चीजें हम पे फर्ज की हैं, जैसे इस सूरह बकरा की आयत 77 में है कि जो माल अल्लाह ने उनको दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, मसाकीन को देते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं। अब जो आदमी अल्लाह के नाम पर खैरात करता है वो इनाम पाता है, लेकिन इसके अंदर
फिर आगे डिग्रीज हैं। एक आदमी सिर्फ फर्ज इबादत करता है लेकिन दूसरा शख्स फर्ज इबादत भी करता है और नफली इबादत भी करता है। एक आदमी अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह के नाम पे खर्च करता है, दूसरा आदमी आधा माल दूसरों को दे देता है, आधा अपनी जरूरियात के लिए रख लेता है। एक आदमी है वो कहता है मेरे लिए मेरा रब ही काफी है, तो जो कुछ उसके पास है वो दे देता है। और जब वो ये दे रहा होता है तो इतनी आजिजी के साथ देता है कि जिसको दे रहा है लेने वाला ये समझता है कि मैं इस आदमी से लेके इस पर एहसान कर रहा हूं, वो इस खूबसूरती से देता है। ये सुपरलेटिव डिग्री आ गई अल्लाह के दिए हुए माल में से देने को। ये जो सुपर सूफीज्म है ये असल में इस डिग्री पर जाकर रब ताला के अहकाम की बंदगी करना है, उसकी इताअत करना है। है यही चीज सिर्फ डिग्री, उसकी आगे चली गई तो उसको लोगों ने नाम सूफीज्म का दे दिया। जो शरई चीजें हैं उनको माने बगैर, उनकी पाबंदी किए बगैर, शरीयत को फॉलो किए बगैर कोई शख्स सूफी हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इसको कुछ ऐसी चीज समझ लें जो कुछ अलहदा से स्टैंडर्ड है तो वो तो फिर टोटली गलत ही हो जाएगा काम। ये तो अल्लाह की बंदगी में बहुत हद तक आगे जाने का नाम सूफीज्म है। इनका चौथा सवाल थोड़ा सा ये मुझे देखना पड़ेगा कि इन्होंने किस सूरह को रेफर कर दिया, उसकी कौन सी आयत को, उसके बगैर देखिए इसको बयान करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं होगा कि गलती का इस्तेमाल ज्यादा है। तो मैंने जैसे बहुत से मौकों पर कहा कि मैं कुरान पाक का हाफिज नहीं हूं, तो ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये इसको रेफर कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। तो फिर मैं अर्ज कर देता हूं, ये आयात का मामला ऐसा है कि ये पहले भी दो तीन मौकों पर मैंने अर्ज किया कि नाजिल हुआ कुरान पाक एक खास तरतीब से, उसके बाद कुरान पाक को दूसरी तरतीब दे दी गई किताब की शक्ल में। तो वो पहली जो है वो तरतीब नजूली कहलाती है कि जिस तरतीब में नाजिल हुआ। तो बाज का एक एक आयत नाजिल हुई उसी सब्जेक्ट पर, दूसरी आयत दरमियान में 10-20 और आयत नाजिल हो गई, फिर कोई मौका आया तो उसी सब्जेक्ट पर फिर एक और आयत नाजिल हो गई। तो यही वजह है कि जब हम कुरान पाक को देखते हैं एक ही सब्जेक्ट पर हमें आयात मुख्तलिफ सूरतों में जगह जगह मिलती हैं। तो एक सब्जेक्ट पर एक आयत है उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो हम
फिर एक पूरी इसकी बैकग्राउंड पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर उन तमाम आयात का हवाला देंगे जो मुख्तलिफ सूरतों में हैं, और फिर इस आयत की तशरी अगर होगी तो दुरुस्त होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि आम तौर पर जैसे डॉक्टर इसार जैसे स्कॉलर भी जब आयात की तशरी करते हैं तो सामने कुरान पाक रखा हुआ होता है, और दूसरे उलेमा भी, इस पे चांस नहीं लिया जा सकता। तो मैं तो वैसे ही हाफिज नहीं हूं, इसलिए मैं जब भी आप किसी आयत की तशरी का कहते हैं तो मैं आपसे हमेशा ये कहा करता हूं कि इसकी मैं बैकग्राउंड पहले देख लूं, तो उससे मुतल्लिका बहुत सी आयात मुझे मिल जाएंगी मुख्तलिफ सूरतों में, उनकी तशरी उस कॉन्टेक्स्ट में हो जाएगी, और फिर जो बात की जाएगी गलती का एहतमाल फिर भी रहेगा, हम इंसान हैं, लेकिन बहुत कम रह जाता है इस्तेमाल इसमें। तो इसलिए मैं माजरा चाहता हूं, या तो क्लियरली लिख देते तो मैं इसकी बात कर देता। ये पहला सवाल है साहब का, उसी तरह से है जैसे अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन दूसरा सवाल इन्होंने वो कहीं हरूफ मक्तियात की का जिक्र करते हुए मैंने अर्ज किया होगा कि जो हरूफ मक्तियात है उनमें से एक हरफ ऐसा है जिसका जिक्र करने से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। इंसान ने फरमाइश की है कि वो हरफ बता दूं, शायद किताब में छपने से ये रह गया हो कि उसी दौरान मैंने ये भी अर्ज किया था कि जिन चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान नहीं किया उसको कोई फकीर भी किसी ने बयान नहीं किया उसको पब्लिकली, वो इल्म आपको खुद अता हो जाता है जब आप फकर के और वलायत के एक आला मकाम तक जाते हैं, तो फिर जब आपको इल्म लुदूनी हासिल होता है तो उसकी भी एडवांस स्टेजेस पर जाके इन हरूफ का इल्म अता हो जाता है। यही वजह है कि जनाब दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह साहब जैसी शख्सियत, जनाब ख्वाजा गरीब नवाज साहब जैसी शख्सियत, बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी परवाह सिदरत मुंतहा तक थी, इनके पास ये इल्म मौजूद था हरूफ मक्तियात का, लेकिन बयान नहीं फरमाया। तो इनका बयान करना वो तो मैंने आपको हरूफ मक्तियात की अहमियत बताने के लिए ये जिक्र कर दिया कि ये ऐसे हरूफ हैं जो मुख्तलिफ शोबे जो हैं उनको यूं कह लें कि रूल करते हैं, या अगर उनका विर्द किया जाए तो उन शोबे में इंसान पर दरवाजे खुलने लगते हैं, लेकिन इस तरह पब्लिकली उसे बयान नहीं किया जा पाएगा। हम इल्म की बात को जब इल्म के एंगल से ही देखते हैं तो उसके फवायद हासिल होते हैं। जब हम इल्म से दुनियावी फवायद हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वो चीज कोई ज्यादा मुनासिब नहीं रहती, ना इल्म मिल पाता है ना दुनिया मिल पाती है, दोनों ही बातें हैं। क्योंकि ये जो इल्म लुदनी है ये तो हासिल ही उस वक्त होता है जब हमारे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाती है,
तो ये कैसे मुमकिन है कि दिल में मेरे हुब्बे दुनिया हो और इल्मे लुदुनी भी हासिल हो जाए? ये तो मुमकिन नहीं हुआ। तो इसलिए ये मेरी गुजारिश ये होगी कि इल्म को इल्म के ही तौर पर हम देखें, उसे दुनिया कमाने की फिक्र में ना पड़ जाए हम। कुछ साहब ने कुछ चीजों पर फतवे के लिए फरमाया, मैं एक बार फिर वादे कर दूं कि फतवा सिर्फ मुफ्ती दे सकता है, वो उसके अलावा कोई दूसरा आदमी मुजाज नहीं है। तो इस तरह की चीजें अगर आम आदमी पास रेफर करेंगे तो वो शख्स भी गुनाहगार होगा और आप भी पटकेंगे। तो फतवे से मुतालिक चीजें हैं उनको मुफ्ती साहब ही को रेफर कर दीजिए। एक किसी साहब का सवाल है कि क्या ये डिस्टाइंड होता है कि किसी खातून को वली अल्लाह की वालदा होने का शर्फ अता होता करता है, या कोई खातून अल्लाह को राजी करके अल्लाह से दुआएं करके अपने रब से जिद करके ये मकाम ये शर्फ मांगती है? जिस तरह इज्जत के बारे में ये बात है कि ये मांग कर नहीं ली जा सकती, इसे अर्न करना पड़ता है। इल्म मांग कर नहीं लिया जा सकता, ये रियाजत के जरिए ही आएगा। अगर कोई साहब खुश होके आपको अता कर दें, वो थोड़े अरसे के लिए होगा, कुछ अरसे के बाद वो वीक होगा, अता का खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो मकाम है वो अपने लिए नहीं मांगना चाहिए, ये तो दुआ करना बहुत अच्छी बात है कि कोई माँ अगर ये दुआ करे कि या अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा दे जो तेरी राह पर चले और मेरे लिए नेक नामी और सरबुलंदी का सबब हो, बहुत अच्छी दुआ है, करनी चाहिए, बाप को भी करनी चाहिए। लेकिन अपने लिए वो मकाम मांगना कि या अल्लाह मुझे ये मर्तबा था फरमा दे कि मेरा बेटा तेरी राह पर चल रहा हो, उसके मायने ही कुछ और हो जाएंगे। दुआ ये मांगनी चाहिए, और माएं बहुत सी मांगती भी हैं, या अल्लाह मुझे औलाद वो दे जो तेरी राह पर चलने वाली हो और मेरे हमारे लिए खानदान के लिए नेक नामी और सरबुलंदी का बाइस बने। तो ये दुआ की जा सकती है। दूसरा इनका सवाल इस पर भी रोशनी डालने हैं कि पहले जमाने में खवातीन वली अल्लाह औलाद की तरबियत के नतवार से किया करती थी। टिप्स एंड ट्रिक्स भी हाईलाइट फरमा दें। इसमें जो बुनियादी अहमियत की चीज है वो तो आप सभी जानते हैं, वह है रिज़्क़े हलाल। और ये रिज़्क़े हलाल
इस कदर तलवार की धार पर चलने वाली बात है। ये ठीक है कि मैं रिश्वत न लूं, ये भी ठीक है कि मैं चोरी का माल न घर में लाऊं, लेकिन अगर मैं कहीं मुलाजिम हूं तो मैंने टाइम अपना बेचा हुआ है। अगर इस टाइम के दौरान फर्ज कर लीजिए ऑफिस आवर्स 9 to 5 है, वो टाइम मेरा बिका हुआ है, जो मेरा एम्प्लॉयर है उसने खरीदा हुआ टाइम है मेरा, तो इस दौरान अगर मैं अपने जाती टेलीफोन कॉल सुनने में वक्त आया करता हूं, पर्सनल विजिटर्स आते हैं मेरे, तो मैं ऑफिस के काम से उठ के बाहर गया तो रास्ते में आधे घंटे में काम कर लिया, आधा घंटा अपने किसी दोस्त के पास बैठ के गपशप मार के आया, तो ये सब बदयांती की जिम्मे में आ जाएंगी बातें। लोग जो जिन्हें अल्लाह ने तौफीक बख्शी अपनी राह पे चलने की, वो तो इतने मोहतात हैं कि जो उनके पास दफ्तर में इस्तेमाल के लिए स्क्रिबिंग पैड है छोटा सा, जो बॉल पॉइंट है, पेंसिल है, वो इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने जाती कामों के लिए। घर उठा के ले जाना तो बड़ी दूर की बात है, अगर जाती काम की अगर स्लिप लिखनी है तो जेब से अपना पेन निकाल के अपना एक कागज लेके उस पर लिख के आपको दे देंगे कि ले लीजिए, तो उनके नजदीक ये भी बदध्यानती की एक किस्म है। तो अगर अल्लाह ने किसी को ये एहसास बख्शा कि उसके घर एक पैदाइशी वली पैदा हो गया है, तो वो रिस्क हलाल उसको खिलाना पहली बात है। दूसरा, जो रब ताला ने हमें तफसील समझाई है कुरान के जरिए से, फिर आप अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के जरिए से, वो डूज एंड डू नॉट्स उस पर खुद पूरी तरह से अमल करेंगे वालदैन, और उस बच्चे की तरबियत करेंगे तो वो अल्लाह की राह पे ही चलेगा। तो इसके जो आपने ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड मुझसे अर्ज किए थे, वो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड यही है कि एक तो मैं अगर ये चाहूं कि मेरी औलाद अल्लाह की राह पर चले, तो पहला कदम तो यही है कि मैं शिद्दत से एहतियात करूं कि मैं रिस्क हलाल खिलाऊं अपने औलाद को। दूसरा ये है कि मैं खुद पाबंद हूं उर्फ आम में बात अगर करें कि शरीयत का पाबंद हूं मैं, दरकी के जब हम कहते हैं शरीयत के पाबंद हैं तो उससे मुराद वही होती जो मैं आसान जुबान में बात कर रहा हूं कि हम डूज एंड डू नॉट्स के पाबंद हो जाए बड़ी शिद्दत के साथ। औलाद रब ताला ने एक ही देगा फिर। इनका एक और सवाल है जो थोड़े थोड़े अरसे के बाद आता रहता है कि क्या मुर्शिद के विसाल के बाद मुरीद के हर पल याद करने से मुर्शिद का मुरीद से ताल्लुक रहता है और इन कांटेक्ट रहते हैं, और कैसे है?
अगर मूर्छित सही थे और मरीज भी सही है तो ये ताल्लुक कायम रहता है, इंसान को गाइडेंस मिलती रहती है, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि अगर मुरीद सही है, मुर्शिद सही है, तो मुर्शिद साहब के दुनिया से चले जाने के बाद मुरीद का ताल्लुक या मुरीद के दिल से उनकी याद खत्म हो जाए, तो इस तरह से मामला है कि चूंकि मुरीद अपने मुर्शिद को आइडियलाइज कर रहा होता है, आइडियलाइज किए बगैर हम मुर्शिद का हक अदा ही नहीं कर पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे जब तक हम आइडियलाइज नहीं किसी को करते, उसको हम फॉलो भी नहीं करते। तो जब मुर्शिद आपको आइडियलाइज करते हैं तो जिंदगी में जहां कहीं कोई काम करने लगते हैं तो जहन फौरन जाता है कि मेरे मुर्शिद ऐसे किया करते थे तो मैं ऐसे करूंगा। तो जब आदमी यूं सोचता है तो मुर्शिद की याद तो जहन से एक लम्हे को भी नहीं निकलती, तो जब वो एक लम्हे को याद नहीं निकलती तो कांटेक्ट तो रहा कि आप अपने मुर्शिद को कॉपी करते हैं, कांटेक्ट खुद ब खुद ही कायम रहता है। अच्छा, अगला सवाल ये कि अगर मुरीद की तरबियत अभी बाकी रहती थी तो क्या वो सिलसिला जारी रहता है या रुक जाता है? नहीं, अगर मुर्शिद सही है तो ख्वाब के जरिए से या ख्याल के जरिए से तरबियत होती जाती है। जहां इंसान अटकता है तो या तो ख्वाब में गाइडेंस मिल जाएगी, नहीं तो जहन में अपने आप ख्याल आ जाएगा कि मुझे ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए। तो ताल्लुक रहता है, तरबियत भी होती रहती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।